नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले अगर कहीं पर हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी तो वो जगह थी यूपी का कानपुर जिला, जहां 3 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। लेकिन गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले सीएम योगी की मौजूदगी के बावजूद 3 जून को जुमे की नमाज के बाद खूब पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी को अंजाम दिया गया। लेकिन आज वो कानपुर लगता है बदल गया। कानपुर की जिन मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद पत्थर बरसाए जा रहे थे, अब उसी कानपुर की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि मुस्लिम युवा हाथ में पत्थर ना उठाएं, बल्कि अग्निपथ योजना में शामिल होकर अग्निवीर बने और देश की सेवा करें। कानपुर में हिंसा और आगजनी के तुरंत बाद सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन की बैठक ली थी और फिर उसके बाद किस तरह से हिंसा को अंजाम दिए जाने वालों के खिलाफ सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, साथ ही उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। ये मंजर पूरे देश ने देखा था। कुछ योगी विरोधी जमात तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन वहां से उन्हें जबरदस्त झटका लगा और कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसा लगता है कि योगी सरकार की इसी शक्ति का असर है कि कानपुर में अब माहौल बदला सा नजर आ रहा है। 24 जून यानी शुक्रवार को जब कानपुर की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई तो इसके बाद मुस्लिम युवकों से मौलानाओं ने मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनकर देश सेवा करने की अपील की गई। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद सलीस ने इस मामले में बताया, हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। 17 से 23 साल के बेरोजगार नौजवानों को अग्निवीर बनकर अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए। पत्थरबाज नहीं बनना है, हम अपने मुस्लिम नौजवानों से अपील कर रहे हैं, जिससे उनमें अनुशासन आएगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा, साथ ही देश सेवा में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, हमारी अपील ये है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे समाज के, उनको एक तो रोज़गार मैसर होगा, दूसरी चीज़ ये है कि देश के प्रति उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा। जिस तरह की घटनाओं के कारण हमारे देश में आए दिन इख्तलाफात और ये तू में सामने आते हैं और हमारे नौजवान जो है बेरोज़गारी के कारण इस्तेसाल होता है उनका, शोषण होता है उनका, तो ये रुकेगा उनका। और इससे जो है हमारे नौजवानों को चाहिए कि देश के लिए वो आगे बढ़ कर के आएँ और वीर अब्दुल हमीद खां के नक्शे कदम पर चलकर देश के लिए अपनी जानों को कुर्बानी देकर देश की इज्जत और आबरू को बचाने का काम करें। इसके लिए खत लिखेंगे आप? नहीं, आइमा मसाजिद को हम खत लिखेंगे। अभी तो हमने 5-6 इमामों से बात की है फ़ोन पर, उनको मैंने कहा है, वो आज इंशाल्लाह जुमे में लोगों को कहेंगे। अगले जुमे तक हमारा बाकायदा खत जारी होगा और उस खत में तमाम आइमा मसाजिद से अपील होगी कि मुस्लिम नौजवानों से अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश की सुरक्षा में अपना पार्ट अदा करें और इस योजना से जुड़ करके दोनों तरह के लाभ हासिल करें, एक तो धन का और बेरोज़गारी से का लाभ होगा उनको, दूसरी चीज़ ये देश की एकता अखंडता के लिए उनकी कुर्बानी होगी। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नुपुर शर्मा के विरोध में जिस कानपुर में जुमे की नमाज के बाद 3 जून को जमकर हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, उसी कानपुर का माहौल अब ऐसा हो गया है जहां मुस्लिम युवाओं से पत्थरबाजी नहीं, अग्निवीर बनकर देश सेवा करने के लिए अपील की जा रही है। और हां, एक बात और आपको बता दें, जब पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा था तो कानपुर से भी इसके विरोध की आवाज उठ रही थी, जिस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था कि हिंसा और आगजनी करने वाले ये लोग क्या सेना में जाने लायक हैं। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है, कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है, समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है, लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। सीएम योगी के साथ साथ सेना ने भी ये चेतावनी दी
कि जितने भी लोग अग्निपथ की योजना के विरोध में हिंसा और आगजनी कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर एक भी FIR दर्ज की गई तो उन्हें अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। जो बच्चे मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ दी क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा, अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। एक तरफ जहां सेना ने साफ कर दिया कि हिंसा करने वालों को सेना में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ योगी सरकार किस तरह से पोस्टर और बुलडोजर वाला एक्शन लेती है ये बात तो पूरा देश जानता है। शायद यही वजह है कि योगी सरकार के सख्त एक्शन और सेना के कड़े रुख की वजह से ही कानपुर में जुमे की नमाज के बाद कोई हिंसा या पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है, बल्कि मुस्लिम युवाओं से अग्निवीर बनने की अपील की जा रही है। योगी राज में कानपुर जिले में दिख रहे इस बदलाव पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हाल नहीं, मेरी आप सबसे यह अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है, उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई, सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे जबरदस्ती थोपा गया, फिर